क्वेश्चन नंबर 262 जामयाग नामग्याल। यस क्वेश्चन नंबर 262 सर। टेबल कर दिया, आप प्रश्न पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोजी महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा, जो देश में और विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्लाइमेट चेंज के वजह से जो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो इन सब का जो कारण जो है, क्या हमारे लोगों को बताने की कोशिश, अवेयरनेस करने की कोशिश माननीय मंत्रालय के द्वारा हुआ है, या रिसेंटली लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज़्यादातर कारगिल के अलग अलग क्षेत्रों में और ले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण से कितना नुकसान हुआ है, कि लोगों का घर बह है, लोगों का जो खेती नुकसान हुआ, माल मवेशी बह गया, इन सब को लेके केंद्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की ओर से क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं और क्या क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूँ जी। सम्मान्य सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्लाइमेट चेंज के संबंध में है। निश्चित रूप से आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज का विषय है वो प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है, और हम ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के सामाजिक, आर्थिक और जो बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। आपने जो विशेष रूप से जो प्रश्न है वो हिमालय के संबंध में पूछा है, सरकार के द्वारा हिमालय क्षेत्र में नेशनल लर्निंग सेंटर, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, हिमालय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, उसके द्वारा जो है इंटीग्रेटेड इको डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इस प्रकार के कार्यक्रम को भी जो हिमालयन क्षेत्र है उसके लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा नियमित रूप से करके सारे जो जलवायु परिवर्तन के विषय हैं उनके अध्ययन के लिए की जाती है। भारत में द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और जो उसके जो रीजनल सेंटर है उनके द्वारा भी जो क्लाइमेट चेंज है उसके आस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है, और अंडर द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 12 राज्य जो हिमालयन क्षेत्र के आते हैं उधर भी विशेष अध्ययन का और विशेष उसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सप्लीमेंट्री में जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था नेशनल लर्निंग सेंटर और जीबी पंत इंस्टीट्यूट, ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट के माध्यम से लद्दाख जैसे खासकर हिमालय के जो टॉप पे रहते हैं और वहाँ के वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में लोगों को जो विलेज कहाँ बसना चाहिए, घर कहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इन चीज़ों को लेके ये इंस्टीट्यूट जो है लोगों को अभी तक कितना अवेयरनेस कैंपेन किया, आगे जाके ऐसे क्या पॉलिसी है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लद्दाख भारत में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का जो फ्लोरा फौना है और लद्दाख में जिस प्रकार से पर्यावरण संतुलन का जो विषय है उसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से सजग है। माननीय सदस्य महोदय इस बात से पूरी तरीके से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो लद्दाख की वाइल्ड लाइफ का कमेटी के भी मेंबर है, अभी उसकी 24 जुलाई को मीटिंग भी हुई है, उन्होंने उसको अटेंड भी किया है। उसमें सारे संरक्षणीय विषयों का, लद्दाख के फ्लोरा और फौना जैसे विषयों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, और हिमालयन साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा विशेष रूप से लद्दाख को लेकर के जो योजना है उसके अवेयरनेस प्रोग्राम की जानकारी हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लोगों को दे रहे हैं।